92.7 Big FM पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री हरि का लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का नाम लेने से उस पालनकर्ता के आप पर कृपाल होने से आपके जीवन में आती है शांति। आपके पालन पोषण की चिंता भगवान करता है। हम तो बस रोज सुबह उठ के कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा जो मेरे पालन हार हैं उनका नाम लेके सब कुछ उन पे छोड़ देते हैं। हम कर भी कह सकते हैं सिर्फ प्लानिंग करने के बाद जब रिजल्ट की या फल की बात आती है वो तो हमारे हाथ में नहीं होता, तो इतना सोचना कैसा। कर्म करना हमारे हाथ में, काम करना हमारे हाथ में, लेकिन उसके लिए कुड़ना, उसके लिए परेशान होना क्या आपको शोभा देता है? जी नहीं। इस सुबह की, इस बेला के और इन ठंडी बयानों की आनंद लेते हुए मैं कामिनी खन्ना आप सबको देती हूँ बधाइयाँ, मन से बधाइयाँ, मंगल शुभकामनाएं आप सबके लिए। मेरी ओर से ये दिन आपका बहुत अच्छा जाए। 92.7 बिग एफएम पर मैं कामिनी खन्ना 26/9/2016 सोमवार की देती हूँ आपको ढेरों बधाइयाँ। आज चंद्रमा कर्क राशि में अहोरात्र नक्षत्र है पुष्य दोपहर 3:02 तक और सूर्य हस्त में चले जाएंगे देर रात तक। तो चंद्रमा के नक्षत्र में सूर्य अमावस्या योग होता है सिंह लग्न के लिए और कर्क लग्न के लिए थोड़ा सा कठिन पीरियड। आती हूँ थोड़ी देर में मेष से लेके मीन राशि तक का भविष्य बताने के लिए आप सभी को। तब तक थोड़ा सा सिमरन कर लीजिए। वो वाली बात हमसे ना जुड़ी होनी चाहिए कि जब हमको ज़रूरत होती है तभी हम अपने अपने प्रभु को याद करते हैं, जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तब हम उनको भूल जाते हैं और फिर हमें ये याद नहीं रहता जो संस्कृति के हमारे पारंपरिक और हमारे धर्म के अनुसार हमारे क्या कर्तव्य हैं। ऐसे तो सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत निभाना, लेकिन दुख में जब सुमिरन करते हो तो सुख में जरूर करना। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। कहते हैं कि मीठी जुबान होने से बहुत सारे काम बन जाते हैं और कड़वी जुबान होने से बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं। अब आप किसी के दिल तक पहुंच सकते हैं उसके मन का हाल पूछ के, उसके जगह हो के और उसको अपनापन दिखा के, उसके साथ सहृदय हो के, लेकिन क्या आप उसको नफरत दिखा के और उसको गुस्सा करके अपना बना सकते हैं क्या कभी? तो आपने ये कैसे सोचा कि आपके शत्रु भी मित्र सा व्यवहार करेंगे? एक फ़ोन ही का तो सवाल है, फ़ोन उठाइए और कर दीजिए अपने शत्रु को कॉल और सॉरी और माफ़ी और इन सब में ख़त्म हो जाती है ये गलत वाली लीला। तो मीठा बोलने से आप जीत सकते हैं दुनिया। शहर कार्यक्रम में मैं कामिनी खन्ना आप सभी श्रोताओं के साथ आपको देती हूँ मंगल बधाइयाँ और चाहती हूँ आपकी अच्छाई, आपका अच्छा हो। सकारात्मक ऊर्जा मेरे पास आपको देने के लिए बहुत सारी और पॉजिटिविटी भी। मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी एकदम चुस्त पुस्त होकर एक्सरसाइज मेडिटेशन योगा कर घर से निकले, आपके सारे काम बने। मेष से लेके कन्या राशि तक का भविष्य बता रही हूँ मैं। मेष राशि, चंद्रमा आज कर्क राशि में स्वग्रही, तो आज मेष राशि के लिए आज चंद्रमा आपके बन गए चतुर्थ, तो बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली क्योंकि स्वग्रही चंद्रमा है। नहीं तो चतुर्थ में चंद्रमा बहुत अच्छा फल नहीं देते, लेकिन आपकी माता से मिलेगा आपको फुल सपोर्ट और अगर वाहन लेना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा है। और इसके अलावा भी मैं अगर कहूँ कि आप सोच तो सही रहें लेकिन व्यसन के आदि मत हो जाइएगा कहीं आप। मैं चाहती हूँ आपकी तबीयत अच्छी रहे, आप हनुमान जी की पूजा करते रहिए 24 जनवरी तक कम से कम। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लग्न का स्वामी स्वस्थ है लेकिन ष्ठ में, फिर भी आपके लिए आज का दिन जो है वो प्रवास का है, आपका पराक्रम बढ़ाने का है, काम बढ़ाने का है, सिबलिंग से फेवर मांगने का है। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि अष्टम मंगल होने की वजह से आप चिड़चिड़े गुस्सेबाज ना हो जाए, वाणी में आपके गुस्सा ना जाए, बस आपको
ये देखना है कि अगर आपको कोई विदेश से रिलेटेड कारोबार आ रहा है मंगल की दृष्टि से तो वो कर लीजिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए द्वितीय में चंद्रमा परिवार में खुशी, बोलने में ओझ, तेजस्वी होना और मुख पर चांद छा जाना, सुंदर हो जाना चांद की तरह। और इसके अलावा आपको मिलेगा धन आज के दिन। अश्लेषा नक्षत्र आने दीजिए, आपको और खुशी भी चढ़ेगी। सन्मुख मंगल आपको समझाता है कि कैसे आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखना है। हालांकि मंगल की दृष्टि जब बुध के घर पे होती है तो तबीयत थोड़ी नासाज होती है। शुक्र बचा रहा है आपको सही सोच की वजह से। कर्क राशि। आपकी माता की सलाह आपको बहुत काम आ रही है। वाहन बहुत अति उत्तम आ जाएगा अगर आप ये 5-7 दिन में खरीद लेते हैं तो। और दूसरी बात, आपके मातहत लोग, आपके काम करने वाले लोग आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। पराक्रम बढ़ा हुआ है और क्या चाहिए, एंजॉय कीजिए। सिंह राशि। सिंह राशि के लिए अभी चंद्रमा आज द्वादश में है और खर्चे का दिन। और अगर कोई विदेश से आपके पैसे आने वाले हैं, कोई समाचार आने वाला है तो ये 2-2.5 दिन में आ सकता है आपको। और अगर आपको कोई रोमांटिक ट्रिप पे जाना है अपनी वाइफ के साथ में या अपने फ्रेंड्स के साथ में, आप जा सकते हैं इन 2 दिनों में। अभी पराक्रम बढ़ा हुआ है, अभी सिबलिंग्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं, परिवार में खुशी है, बस गुस्सा थोड़ा कम कीजिए। कन्या राशि। कन्या राशि के लिए आज चंद्रमा आ गए आपके लाभ में तो आज पैसा आने का दिन। करिए कॉल, उठाइए फोन, लोगों को बोलिए आपके पैसे उनके हैं, वो जरूर देंगे आपको आजकल में। इसके साथ आपको पैतृक संपत्ति से लाभ होने का दिन। और अगर कोई कहते हैं ना तकलीफ है आपके मातहत लोगों के साथ, तो सिर्फ प्यार से बोलने से ये तकलीफ खत्म हो जाएगी, सिबलिंग से भी और मातहत लोगों से भी। तो थोड़ा प्यार से बोलिए और अपनी तकलीफ दूर कीजिए और उनकी तकलीफ भी दूर कीजिए। 92.7 बिग एफएम पर मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके कन्या राशि तक का भविष्य। आती हूँ थोड़ी देर में बताने के लिए तुला से लेके मीन राशि तक का भविष्य। जब तक मैं आती हूँ थोड़ा सा भजन कर लें, क्योंकि ये बीला जो है बार बार मुझे बोलती है मन लगा ईश्वर के साथ। ऐसा करने से मेरे सारे गात्र जो हैं शांत होंगे और मैं सही दिशा में सोच पाऊंगी। राम भजन कर लूं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। कई बार ऐसा होता है कि हमारी मन की सीमा रेशा हम तोड़ना शुरू कर देते हैं, और अगर तोड़ दी तो बाद में पछताते हैं, और अगर संभल गए तो बाद में सोचते हैं अच्छा किया, वो समय तो टल गया। तो समय टाल देना चाहिए। मैंने अपनी एक किताब में लिखा था कि वक्त टलता नहीं है तो ठेल दो, तो ठेल देना चाहिए समय को आगे। वो जो बुरा समय आता है, वो जो हमारे सिर पर मंडराता है और वो हमको उद्यत करता है, कर डालो ये गलत काम, कर डालो, गुस्सा कर डालो, झगड़ा कर डालो, डिसीजन गलत ले लो, ऐसे में अगर हम थोड़े एक दिन के लिए रुक जाएं, दूसरे दिन सो के उठे हमारे विचार फ्रेश हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि विचार भी मेडिटेशन करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद, सो के उठने के बाद चेंज हो जाते हैं? तो सबसे पहले विचार चेंज करने की बात कीजिए, बाद में मैं आपको अब बताने जा रही हूँ तुला से लेके मीन राशि तक का भविष्य। सहर कार्यक्रम में मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ इस सुबह में। तुला राशि। तुला राशि के लिए बहुत खुशी की बात है कि लग्न में शुक्र चल रहा है, बड़े सुंदर दिख रहे हो, मेधावी दिख रहे हो, और साथ में आपको बधाई देने के दिन आ गए हैं। आपका काम का कुछ ना कुछ हो जाएगा और साथ में आपको मिल जाएगा, कहते हैं ना पैसा भी। अगर कोई शेयर मार्केट से अटका हुआ है, कोई आपने ऐसा कुछ किया हुआ है कि पैसे फंसाए थे किसी बिजनेस में, तो निकलने का दिन है, करिए ना कोशिश, हो जाएगा। वैसे भी लाभ में राहु आपसे एक बात कह दूं, आता है तो गिर गिर के पैसा आता है, थोड़ा रुकता है फिर आता है। 12वें गुरु आपको तंग कर रहा है, वो आपको विरोधी खड़े करवा देता है। और इसके अलावा भी आपका पराक्रम में कमी आ रही है, एक्सरसाइज वगैरह करिए और चुस्ती बढ़ाइए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अब स्वस्थ है सेकंड हाउस में, लेकिन थोड़ा सा आप गुस्सेबाज होकर गलत सलत बोल रहे हैं, जिसकी वजह से लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। ध्यान से एक बात ये, और व्यवसाय तो आप हो रहे हो, काम भी बहुत सूझ रहा है आपको, पैसे भी आ रहे हैं और आपको अच्छी अच्छी खबरें प्रेमी से मिलने की भी आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आपका तो जीवन बहुत ही रोमांटिक हो गया, और मुझे खुशी है कि आज चंद्रमा भी आपको साथ दे रहा है, आपको भाग्य से रिलेटेड अच्छी अच्छी खबरें दे रहा है। धनुराशि। धनुराशि के लिए लग्न में मंगल बनाता है आपको आक्रामक, तो आप किसी भी दिशा में अगर आक्रामक हुए तो नुकसान किसको होगा, आपको होगा। आक्रामक मत बनिए, काम कीजिए, अपना
कहते हैं ना, सूर्य गुरु को एंजॉय कीजिए दशम स्थान में, और वो आपको दिलाता है सफलता। पैसे आना एक बहुत बड़ा कारण होते हैं जब आपका बुरा समय चल रहा था उस हिसाब से, लेकिन आजकल तो आपको पैसे आने के दिन हैं। बस आप काम जोर से कीजिए, एक्सक्यूजेस मत दीजिए लोगों को। मकर राशि। मकर राशि के लिए आज चंद्रमा सन्मुख आकर आपके स्पाउस से, आपके पार्टनर से दिलवाते हैं आपको खुशी। और तबीयत जो आपकी पेट की वजह से खराब है, उसके लिए बार बार मैं कहती हूँ आपको कि आप पंछियों को दाना डाल सकते हैं, वृद्धों की सेवा कर सकते हैं, किन्हीं जरूरतमंदों की सेवा आप कर सकते हैं। भाग्य से रिलेटेड अच्छी खबरें आ रही हैं, काम अच्छा हो रहा है। गॉड ब्लेस यू। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए आज चंद्रमा बने पड़े हैं षष्ठ में, तो विरोधी आपके सफल हो गए। किसी से लोन मांगिएगा नहीं, और कोई लोन मांगता है तो आज और कल की डेट में टाल दीजिएगा। वैसे आगे आप किसी की मदद करें इस बात की मुझे खुशी होगी। आपके अष्टम में बैठा गुरु आपका पेट खराब करता है, और वैसे आपकी वाणी में ओझ बहुत लगता है, परिवार में धन पैसा और खुशी भी लाता है। मीन राशि। मीन राशि के लिए आज चंद्रमा आपके दिमाग पे, तो आप हो जाएंगे कूल कूल, आपको बच्चों से बहुत साथ मिलेगा। आपके बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, और साथ में आपको भाग्य से रिलेटेड जो चिंता है उसके विषय में आपको आश्वासन दे रहा है मंगल। तबीयत एकदम अच्छी बनी हुई है आपकी, और क्या चाहिए आपको। 92.7 बिग एफएम पर मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपको तुला से लेकर मीन राशि तक का भविष्य। आती हूँ थोड़ी देर में बताने के लिए आपको एक एस्ट्रोलॉजिकल टिप। तब तक के लिए देवों के देव महादेव, जो कि अल्टीमेट भगवान हैं, और जब सारे ईश्वर जो नतमस्तक हो जाते हैं उनके आगे, तो हम क्या चीज़ हैं। जब हमारे ऊपर संकट आता है तो हमको महामृत्युंजय करना पड़ जाता है। ऐसे मेरे महादेव बाबा भोलेनाथ की आइए हम आराधना कर ले। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। जब हम बात करते हैं फलों की, तो हमें फल की इच्छा रहती है। जब हम काम करते हैं और जब हम फल खाते हैं, तब भी हमें फल की इच्छा रहती है कि ये फल खाने के बाद हमारा चेहरा चमचमाता रहे और हमको अच्छे रिजल्ट्स मिले। फलों के साथ एस्ट्रोलॉजिकल रेलेवेंस क्या है, वो कैसे जुड़ते हैं एस्ट्रोलॉजी से, ये हमने कई बार जाना। और आज हम बात कर रहे हैं जिस फल की, उसका नाम है संतरा। अब संतरा जो है, इसका मंत्रा बहुत अच्छा है। कहते हैं ना, एसिडिक होता है अगर ज्यादा खा लो तो, खटास होती है, विटामिन सी का द्योतक है, और विटामिन सी का द्योतक होने के कारण ऐसा संतरा जो दिखने में ऑरेंज होता है, वो सूर्य का भी द्योतक है, प्रतिनिधित्व करता है सूर्य का। अब सूर्य से क्या होता है, जब आप सूर्य के आगे ज़्यादा बैठते हैं, उसकी रश्मियाँ अपने शरीर में लेते हैं, तो आपको एनर्जेटिक फील होता है। और संतरा जैसे आप खाते हैं, उसका जूस पीते हैं, तब भी आपको एनर्जेटिक फील होता है। अब इसके साथ साथ संतरा विटामिन सी से भरपूर है, तो वो आपको और एनर्जी देता है, बॉडी रेजिस्टेंस देता है। उसी तरह जब हम सूर्य की आराधना करते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। मैं कामिनी खन्ना शहर कार्यक्रम में आपको बता रही थी, फल से रिलेट कर रही थी एस्ट्रोलॉजी कैसे, और आज मैंने बात की आपके साथ संतरे की। कल फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है शहर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं हमारी ट्विटर हैंडल 927 बिग एफएम पर। और अभी फिलहाल जाते जाते एक बात आपको बता दूं, कोई भी काम करने के लिए, जैसे मैंने संतरे की बात बताई, ऊर्जा की जरूरत होती है, सूर्य पूजा की जरूरत होती है, उसी प्रकार अगर आप जगदम्बा की आराधना करें तो बहुत सारी ऊर्जा आती है जनाब आपके अंदर। करके तो देखिए मेरी जगदम्बा की आराधना। टेक केयर।